Hi friends, how are you all? I hope everybody is fine. So friends, today I would like to discuss about advanced structure in spoken English. So friends, ऐसे sentences आप English में कैसे बनाते हैं? मैं किसी से कम नहीं हूँ. उसका style किसी से कम नहीं है. तुम किसी से कम नहीं हो. उसकी सुंदरता किसी से कम नहीं है. So how to make these sentences into English? So friends, सबसे पहले इस चीज को जानने के लिए इसका एक फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट देन इज एम आर या वर्ज वर का आपका पास में यूज करना है, इज एम आर का प्रेजेंट में यूज करना है. देन सेकेंड टू नन का मतलब होता है किसी से कम नहीं. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, मैं किसी से कम नहीं हूं. I am second to none. I hope you understand. Next example है friends हमारा, उसका style किसी से कम नहीं है. His style is second to none. I hope you understand. Next sentence है friends, तुम किसी से कम नहीं हो. You are second to none. I hope you understand. नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स हमारा, उसकी सुंदरता किसी से कम नहीं है. Her beauty is second to none. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने 10 और 15 फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन नाइस मीटिंग टू यू. थैंक यू वेरी मच. कीप प्रैक्टिसिंग. जय हिंद, जय भारत.